लोग कहते हैं स्क्रिप्टेड है, लेकिन ये स्क्रिप्टेड हो ही नहीं सकता। डाउन मार्केट हरकत की है, मैंने बिग बॉस देखा है, क्योंकि हर साल हमारे फ्रटर्निटी में से कोई ना कोई फ्रेंड ज़रूर होता है। अब वो भाग दौड़ करने की उम्र नहीं रह गई, ना ही एक वो अपने आप को प्रूव करने का जज्बा रह गया है। जब ऑफर भी हुआ था तो आई डोंट थिंक आई कैन कोप अप विद समथिंग लाइक दैट। नीलू मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इस तरह की समाज सेवा आप अपने पर्सनल लाइफ में भी करती हैं? बहुत ऑनेस्टली बोलूँ तो ऑल दीज ईयर्स आई वॉज सो बिजी वर्किंग फ्रॉम वन टू अनदर कि मैं बहुत कुछ ऑन अ कॉन्शियस लेवल एंड ऑन अ यू नो ऑन अ लार्ज स्केल नहीं कर पाई थी। लेकिन जब जब मौका मिला ऐसे यू नो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, ऐसे कॉजेज से जुड़ने की पूरी कोशिश की, जबकि honestly I've been attached to the home for the ages since the past 25-30 years, to mera sara focus jo free time hota tha wo unke liye jata tha, to zyada maine honestly cancer aur in sab cheezon ke liye zyada kuch kiya nahi. मैम, और क्या कुछ खास चल रहा है टीवी में आपके, अगर पर्सनल लाइफ के बारे में और एक्टिंग के बारे में मैं पूछना चाहूँ? एक्चुअली मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया हुआ था, मेरी बेटी की शादी थी और अब वापस आई हूँ, इन द सेंस कि शादी के लिए ब्रेक लिया था। अभी एक पंजाबी फिल्म रिलीज़ है नवंबर में, किटी पार्टी, फिर अभी एक अमेज़ॉन प्राइम पे एक वेब सीरीज़ आ रही है, और अभी मैं एक फिल्म के लिए जा रही हूँ टू उन्नाव, सो चल रहा है। अब वो भाग दौड़ करने की उम्र नहीं रह गई, ना ही एक वो अपने आप को प्रूव करने का जज्बा रह गया है। अब लगता है कि अपने दायरे में रहकर जितना काम कर सकते हैं कंफर्टेबली, बस उतना ही करें। एक आखिरी सवाल जाते जाते, सलमान खान का शो बिग बॉस बहुत बड़े लेवल पर आगाज कर चुका है, तो आपको मौका मिलता है तो आप जाएंगी, और अगर जाएंगी तो क्या कुछ कारनामा करने वाली हैं? नहीं, मैं अब बिग बॉस की कैंडिडेट नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगी वहाँ कोप अप ऑन अ पर्सनल लेवल। जब ऑफर भी हुआ था तो आई डोंट थिंक आई कैन कोप अप विद समथिंग लाइक दैट। दो आई मस्ट एडमिट आई एम अ बिग बॉस फैन, चाहे लोग मुझे डाउन मार्केट बोले, लोग मुझे जो भी, मैंने हमेशा डाउन मार्केट हरकत की है, मैंने बिग बॉस देखा है, क्योंकि हर साल हमारे फ्रटर्निटी में से कोई ना कोई फ्रेंड ज़रूर होता है, और उनको चेयर अप करने के लिए या फिर मुझे वैसे भी अच्छा लगता है, लेकिन एज अ कैंडिडेट नहीं, आई डोंट थिंक मैं आई एम द राइट कैंडिडेट। ऐसी कौन सी चीज़ आपको डरा देती है बिग बॉस से कि आप बिल्कुल इच्छुक नहीं है जाने के लिए? वहाँ जो मड स्लिंगिंग होती है, मैं उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहती हूँ। हालांकि लोगों को लगता है मैं बहुत दबंग हूँ और हूँ, बट नॉट इन दैट वे, आई डोंट थिंक आई कैन कंडक्ट माई सेल्फ ओवर देयर। मैं ऑनेस्टली ऐसे मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ, अनलाइक मेरी कद काठी और मेरी आवाज़ और जैसे रोल्स मैं करती हूँ। अच्छा, अगर एक आप कोई बदलाव आप देखना चाहें बिग बॉस में, क्या कुछ देखना चाहेंगे? देखो, मैं ये तो डेफिनेटली देखना चाहूँगी कि लोग एक दूसरे को यू नो ब्रिंग डाउन करके, उनकी बेइज्जती करके ना जीतें, बल्कि एक एक डिग्निटी आ जाए एक शो में। देर शुड बी अ सर्टन डिग्निटी। मुझे ये लगता है कि यू नो ज़रूरी नहीं है TRP के लिए वो सब हो, लेकिन आई एम नॉट द बेस्ट जज एक्चुअली, बिकॉज जो इतने सालों से उस फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक एज अ स्पेक्टेटर, एज एन ऑडियंस बोल सकती हूँ कि मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी शो में डिग्निटी आ जाए तो पर शायद यू नो मेरे लिए कहना बहुत आसान होगा, क्योंकि मैं घर में बैठ के अपने पाँव पे पाँव रख के रिमोट लेकर देखती हूँ, लेकिन जो लोग वहाँ उस चीज़ को जी रहे होते हैं, और जैसा कि मैं अपने फ्रेंड से सुन चुकी हूँ, लोग कहते हैं स्क्रिप्टेड है, लेकिन ये स्क्रिप्टेड हो ही नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा बस ये हो सकता है कि वो ठीक है इस चीज़ को हम फुटेज दे देंगे या उस चीज़, पर कितना आप फुटेज के लिए कर लेंगे ना 60-90 दिनों में? तो बट मेरा एक पर्सनल मानना है कि थोड़ी सी अगर इस डिग्निटी आ जाए ना तो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे आखिरी में जाते हैं, सलमान खान को आपने देखा, कैसे लग रहे वो? अरे आई एम अ बिग फैन ऑफ सलमान खान।
तो मुझे तो वो जैसे हैं बहुत अच्छे लगते हैं. और मतलब सी आई एम अ सलमान फैन फॉर व्हाट ही डज, फॉर व्हाट ही इज ऑफ स्क्रीन. आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज फॉर दैट, फॉर हिज कॉजेज एंड द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ ऑन बिग बॉस. शुरू में ऑनेस्टली आई वॉज नॉट अटैच टू बिग बॉस. मैंने ये देखना ही शुरू किया सलमान खान की वजह से, और जिस तरह वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं, आई मीन आई बिकेम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिज. थैंक यू वेरी मच मैम. तो आपसे क्या कहें, आप देखते रहें हिंदी राशि.